मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ वो मेरे साथ एक तरीके से बिल्कुल धोखा हुआ। मैं समाजवादी पार्टी में ना कभी था ना मैं समाजवादी पार्टी में हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। प्रियंका गांधी जी से मैं माफी चाहता हूं, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों से माफी चाहता हूं कि जो मैंने किया वो गलत था। मैं आज भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। और समाजवादी पार्टी के जो नेता मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जी हैं, वो लगातार पिछले दिनों से मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने मुस्लिम बड़े चेहरे थे, मुसलमानों के टिकट काट दिए गए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा, समाजवादी पार्टी धोखा कर रही है। समाजवादी पार्टी गद्दारों की पार्टी है, धोखेबाजों की पार्टी है। और समाजवादी में मुसलमान को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, मुसलमानों के नेताओं को भी खत्म करना चाहती है। मैं सभी अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों से माफी चाहूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस में ही रहना चाहता हूं।